हेलो गाइस, जैसे कि आप देख रहे हैं, मैं हूं नदीम बास और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एल एम मैकेनिक व्लॉग। आज हम कमर्शियल लोडर 470 का इंजन करने वाले हैं, तो हम आपको दिखाएंगे इसके इंजन कैसे करना और क्या क्या करना है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले तो आप लोगों ने इंजन सबसे पहले वॉश करना है, अच्छी तरह वॉश करके उसके बाद पिस्टन उठाना है। पिस्टन उठा कर उसमें रिंग डालने हैं, रिंग डाल कर उसके बाद ब्लॉक को सीधा करना है। ब्लॉक सीधा करके उसके बाद आप लोगों ने पिस्टन अंदर डालने हैं। जब पिस्टन अंदर चले जाएंगे मुकम्मल 6 के 6 पिस्टन चल जाएंगे, उसके बाद आप लोगों ने सीधा करके बाकी जो उसके सेट वगैरह वो फिटिंग करनी है, ठीक है। टाइमिंग वगैरह ठीक करनी है, टाइमिंग सेट करके टाइमिंग मुकम्मल अच्छी तरीके से सेट करके उसके बाद ब्लॉक को सीधा करना है। उसके सेट वगैरह मुकम्मल जो सामान है वो लगाना है, सामान लगा कर उसको खड़ा कर लेना है। उसके बाद चैम्बर लगा लेना है, चैम्बर लगाने के बाद उसको बिल्कुल सीधा करके हेड वगैरह लगाना है, हेड वगैरह लगा कर उसको बिल्कुल सीधा करना है। उसके बाद जो ऑयल कूलर वगैरह हैं वो सेटें मुकम्मल करनी है। उसके बाद हेड बिल्कुल टाइट करके उसके बाद आप देख सकते हैं कि अभी हमने हेड को मुकम्मल कर लिया। इसके बाद अब हमारा इंजन फाइनल हो गया, तो अभी हम इसको स्टार्ट करने वाले हैं। तो अभी हम आपको दिखाएंगे इसको स्टार्ट कैसे करना है और क्या क्या करना है। अभी हमारा इंजन स्टार्ट हो गया है, आप देख सकते हैं इंजन स्टार्ट हो गया। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत अच्छा साउंड था, बहुत